उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग का शुरू आगाज हमारा हो चुका है। अभी रात के 2 बज रहे हैं, मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ। दुनिया सुबह को बनाती है और मेरा अभी टाइम हुआ है 2 बजे का। तो सबसे पहले ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि सबसे पहले मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच जाए नोटिफिकेशन। ठीक है, जब नोटिफिकेशन होगी तो आप मेरा ब्लॉग देखेंगे, ब्लॉग देखेंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो जी सबसे पहले ये आप काम करें, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो सर दूसरी बात ये, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और अच्छा जी, मुझे अम्मी ने बोला है यहाँ पर कि कटिंग कर करके रख दो, 2:30 बज चुके हैं। जाके बाद अभी कटिंग कट करोगी बिल्डिंग को तो टाइम लगेगा ना, तो इसके बाद तुम बनाओगी भी वो भी टाइम लगेगा, इसके बाद रोटियाँ बनोगी वो भी टाइम लगेगा, फिर तुम्हें तहज्जुद भी पढ़नी होती है, हम सबको तहज्जुद भी पढ़ेंगे। तो इससे अच्छा पहले काम ये निपटा लो और क्या बोलते हैं बाद में जो काम करना होगा तुम कर लेना। तो हम लोग कटिंग करते हैं, बिल्डिंग कटिंग करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो जी मेरा यहाँ पर हो गया है, सालन पक गया है, भिंडी मैंने पका दी है और साथ में मैंने भाभी को बोला है कि अभी आटा गूंध ले। तो भाभी अभी आटा गूंध रही है और यही हो जाता है कि भाभी के साथ हेल्प बड़ी अच्छी हो जाती है ना भाभी। इसको इजाज़त नहीं है ना बोलने की भी, इजाज़त नहीं है इसको मेरे ब्लॉग में। चलो कोई बात नहीं, खैर है। तो दूसरी बात ये है कि मेरी भाभी का आज फर्स्ट रमज़ान है ना, फर्स्ट कराची में फर्स्ट है ना, कराची में भी फर्स्ट रमज़ान है और क्या बोलते हैं हमारे घर पे भी फर्स्ट रमज़ान है। फर्स्ट रमज़ान मुबारक हो भाभी हमारे घर पे। चलो भाभी पहले काम कर लें।
इसके बाद हम लोग ब्लॉग बनाएंगे, कंटिन्यू करते हैं, बाद में मिलते हैं। माशाल्लाह से रिद्दा ने तहज्जुद की नमाज अदा कर ली, नफल पढ़ लिए। माशाल्लाह से रिद्दा वैसे भी माशाल्लाह नमाज की पाबंद है, और आम रूटीन में भी रिद्दा तहज्जुद पढ़ती है, और यहाँ पर रिद्दा ने तहज्जुद की नमाज अदा कर ली और अभी दुआ मांग रही है। दुआ मांगने के बाद हम थोड़ी सी तस्बीहात वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद हम मिलकर सहरी करेंगे। और सहरी तो बच्चों ने तैयार कर ली है रिद्दा लोगों ने, और रिद्दा सबके लिए बेटा दुआ करना, अपने लिए, बच्चों भाइयों के लिए, अपने अब्बू के लिए और अपनी भाभी दुआ के लिए, सबके लिए दुआ करना, जुनैद के लिए, सबके अल्लाह सबके नेक नसीब करे, सबकी नेक जायज़ दुआएं कबूल करे। और मेरी अम्मी के लिए दुआ करना, अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए और जो जो बीमार है अल्लाह कुल कायनात को शिफा दे। जो दुआओं के लिए बोले सबकी दुआ अल्लाह पाक कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सेरी कंप्लीट हो गई है और फिर चाय रही है, चाय पी है, चाय पीने के बाद मिलते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे।